दोस्तों, आप सभी ने कपिल मुनि का नाम तो जरूर सुना होगा। श्रीमद् भागवत के अनुसार कपिल मुनि को भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से पांचवा अवतार माना जाता है। इनको अग्नि का अवतार और ब्रह्मा जी का मानस पुत्र भी कहा जाता है। तो चलिए, आज इस वीडियो में हम आपको कपिल मुनि के बारे में 10 खास बातें बताने जा रहे हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। दोस्तों, पहली खास बात जो कपिल मुनि के बारे में है वो ये है कि इनके पिता का नाम कर्दम ऋषि था और कर्दम ऋषि ने विवाहपुर सतयुग में सरस्वती नदी के किनारे भगवान विष्णु की घोर तपस्या की थी। उसी के फलस्वरूप भगवान विष्णु कपिल मुनि के रूप में कर्दम ऋषि के यहाँ जन्मे थे। इनकी माता का नाम स्वयंभू मनु की पुत्री देवहूति था। दोस्तों, अगर बात करें कपिल मुनि की बहनों का, तो उनकी जो बहनें थी उनका नाम था, एक बहन का नाम कला था, दूसरी का अनुसुईया, तीसरी का श्रद्धा, चौथी का हविर्भू, पांचवी का गति, छठी का क्रिया, सातवीं बहन का नाम ख्याति, आठवीं बहन का नाम अरुंधति और नौवीं बहन का नाम शांति। दोस्तों, दूसरी खास बात कपिल मुनि के बारे में ये है कि शरशैया पर जब भीष्म पितामह शरीर त्याग के समय पड़े थे, लेटे हुए थे, तो वेदज्ञ वेद व्यास आदि ऋषियों के साथ भगवान कपिल भी वहां मौजूद थे। दोस्तों, महाभारत में कपिल मुनि के उपदेश को कपिल गीता का के नाम से भी जाना जाता है। भगवान कपिल के क्रोध से ही राजा सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए थे। भगवान कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं। कपिल मुनि भागवत धर्म के प्रमुख 12 आचार्यों में से एक। दोस्तों, कहा जाता है कि प्रत्येक कल्प के आदि में कपिल जन्म लेते हैं। दोस्तों, सातवीं खास बात कपिल मुनि के बारे में यह है कि कपिल वस्तु नामक नगर कपिल मुनि के नाम पर बसा नगर था, जहां पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। कपिल मुनि का जन्म स्थान संभवतः कपिल वस्तु और तपस्या स्थल गंगा सागर था। दोस्तों, आठवीं खास बात ये थी कि कपिल जी का आश्रम सरस्वती नदी के तट पर बिंदु सरोवर पर था, जो द्वापर का तीर्थ तो था ही, आज भी तीर्थ है। बिंदु सरोवर अहमदाबाद से 130 किलोमीटर उत्तर में अवस्थित ऐतिहासिक सिद्धपुर में स्थित है। इस स्थल का वर्णन ऋग्वेद की ऋचाओं में भी मिलता है, जिसमें इसे सरस्वती और गंगा के मध्य अवस्थित बताया गया है। सरस्वती और गंगा की अन्य छोटी धाराएं पश्चिम की ओर निकल गई होंगी। इस सरोवर का उल्लेख रामायण और महाभारत में भी मिलता है। दोस्तों, नौवीं खास बात कपिल मुनि के बारे में ये है कि कपिल मुनि के नाम से कई ग्रंथ प्रसिद्ध हैं, जिनमें से जो प्रमुख है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक है सांख्य सूत्र, दूसरा तत्व समास, तीसरा व्यास प्रभाकर, चौथा कपिल गीता, पांचवा कपिल पंचराम, अगला कपिल स्तोभ और अगला कपिल स्मृति। दोस्तों, दसवीं खास बात कपिल मुनि के बारे में ये है कि जैन श्रुति के अनुसार कपिल मुनि ने साधारण मानव समझकर राम, सीता और लक्ष्मण को अपनी कुटिया से निकाल दिया था और बाद में वो इस व्यवहार को लेकर पछताए थे। उम्मीद है दोस्तों कि आज की इस वीडियो में कपिल मुनि के बारे में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली किसी एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप बने रहिए YouTube चैनल अक्षज एंटरटेनमेंट के साथ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।